हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कंप्यूटर की हार्ड डिस्क। वैसे तो हार्ड डिस्क दो तरह की होती हैं, साटा और पाटा। आज मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं वो एक पाटा हार्ड डिस्क है। तो इसके पोर्ट आप देख सकते हैं, पाटा हार्ड डिस्क में इस तरह के पोर्ट होते हैं। तो ये वाला पोर्ट है, ये डाटा के लिए होता है, और ये वाला पोर्ट है, ये पावर के लिए होता है, और इसको हम बोलते हैं जम्पर। देखिए दोस्तों, इसमें ये पिन दिखाई दे रही हैं। इसमें ये पिनों की संख्या होती है 39, और इसकी चार पिन आप देख ही सकते हो, तो आप काउंट ही कर लोगे। और आठ पिन इसमें होती हैं जहां हम जम्पर लगाते हैं। तो ये पुरानी हार्ड डिस्क है जो मेरे पास ये रखी हुई थी, ख़राब हो चुकी है। मैंने सोचा इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे दूं, लेकिन हाँ, मेरे पास एक डीवीडी राइटर रखा हुआ है साटा, वो मैं आपको दिखा देता हूं। क्योंकि डीवीडी राइटर और हार्ड डिस्क में दोनों में सेम एक ही ऐसे पोर्ट होते हैं। तो ये देखिए, ये डीवीडी राइटर है, इसमें ये पोर्ट दे रखे हैं, इसको हम बोलते हैं साटा, और ये डाटा के लिए होता है। ये इसका पावर पोर्ट है, ये इसका डाटा वाला पोर्ट है। इसी तरह से हार्ड डिस्क में हमारी पोर्ट दिए होते हैं। डाटा का पोर्ट इस तरह का होता है, पावर का पोर्ट इस तरह का होता है। ये डीवीडी राइटर है जिसमें हम सीडी और डीवीडी लगाकर प्ले कर सकते हैं। दोस्तों ये एलजी कंपनी का है, तो ये थोड़ी सी जानकारी आपके लिए लेकर आया था मैं।